अरे मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया। बुध अपनी मिथुन राशि में आ चुके हैं और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन गया है। लेकिन बुधादित्य राजयोग 144 प्रकार के होते हैं। वो 144 प्रकार के इसलिए होते हैं कि एक मेष राशि में या मेष लगन में वो 12 जगह बन सकते हैं और 12 राशियों में 12 लग्नों में तो 144 प्रकार हो जाता है। तो सबका फल एक जैसा तो हो नहीं सकता। और ये उंगलियां ज्योतिष के ऊपर उठती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बाबा रामदेव भी बोलते थे कि राम और रावण की एक राशि तो युद्ध क्यों हुआ, कृष्ण और कंस की एक राशि तो युद्ध क्यों हुआ, मुलायम मायावती की एक राशि तो युद्ध क्यों हुआ। बात तो उनकी भी ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष बहुत विशाल है, समुद्र की तरह है, बहुत गहरा है। तो हमने सोचा कि 144 प्रकार के बुद्धादित्य राजयोगों में से 12 लग्नों पर वो राजयोग बना है, 12 राशियों पर वो राजयोग बना है। लेकिन हमने पहले एपिसोड में 5 राशियों की जानकारी दी और उसमें कहा था कि प्योर बुद्धादित्य राजयोग। उसके बाद 4 राशियों को हमने लिया, उसमें धनु राशि एक ऐसी थी कि जो दोनों तरफ काउंट हो रही थी, प्योर में भी और महापुरुष राजयोग में भी, केंद्र त्रिकोण राजयोग में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बुद्धादित्य राजयोग बुद्धादित्य राजयोग न हो करके ये विपरीत राजयोग बनाएगा कुछ राशियों के लिए। इसलिए यही बुद्धादित्य राजयोग 5 राशियों पर बना, 4 राशियों पर ये खल योग, दैन योग और महापुरुष राजयोग भी बना। और आज जो मैं 4 राशियों की जानकारी देने वाला हूं उनमें ये विपरीत राजयोग भी बनाएगा दूसरे राजयोगों के साथ साथ। पैसा ये भी देगा, पैसा उन्होंने भी दिया, धन उन्होंने भी दिया। आज इसकी डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूं। देखते रहिए हमारा ज्योतिषी के कार्यक्रम। जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली राशि है मेष राशि। इस मेष राशि के अंदर देखा जाए तो राशि के अंदर मंगल राहु बैठे हुए हैं। यहां पर रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना, गुरु 12वें भाव में है, ज्ञान दे रहा है, यात्राएं करा रहा है और तीसरे भाव में सूर्य और बुध की युति है। बुध यहां 6ठे भाव का स्वामी भी है, 6ठे का स्वामी तीसरे में, 8वें में 12वें में बैठा हो और पाप प्रभाव में हो, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, केतु की दृष्टि के अंदर बैठा है, केतु की 9वीं दृष्टि भी है, सुप्रभाव नहीं है कोई, इसलिए यहां विपरीत राजयोग बन जाएगा। इस विपरीत राजयोग का फल निश्चित तौर पर मिलेगा, लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में सूर्य बुध लीडिंग क्वालिटी देता है, पैसा फिर भी आएगा क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र स्वराशि के अंदर बैठा है, लाभ स्थान पर शनि लाभ दे रहा है, तो पैसा तो यहां पर भी आएगा, विपरीत राजयोग से भी आएगा। अब यहां पंचम भाव का स्वामी सूर्य पीड़ित कर रहा है बुध को। अगली राशि हमारे पास में कर्क। कर्क राशि में ये 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनेगा। कर्क राशि में तीसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, केतु की दृष्टि के अंदर बैठा हुआ है, कोई सुप्रभाव नहीं है, इसलिए विपरीत राजयोग बनता है।
बुद्धादित्य राजयोग तो देखने में है वो, लेकिन बुद्धादित्य राजयोग का फल तो दे नहीं पाएगा। बुद्धादित्य राजयोग के फल कैसे मिलते हैं वो मैंने आपको पहली पांच राशियों में बताए थे, उनके फल मैंने कहा था डंके की चोट में मिलेंगे, लेकिन यहां विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। अगर यही योग आपकी कुंडली में बचपन में बना हुआ है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा आपको। बुध और सूर्य की युति बुद्धादित्य राजयोग बना रही है आपको, पैसा फिर भी मिलेगा क्योंकि लाभ स्थान में शुक्र लाभेश होकर के स्वराशि में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, कर्म भाव पर मंगल रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए हैं, तो ये इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगली राशि हमारे पास वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में राशि का स्वामी मंगल अष्टम भाव में है। वृश्चिक राशि के अंदर बुध कभी अच्छा फल नहीं देता, अष्टम का स्वामी है अष्टम में बैठा है, ग्यारह भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, पाप प्रभाव में है, केतु की पांचवी दृष्टि के अंदर है, तो यहां पर भी आपको सूर्य और बुध इसके विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। बुध की महादशा अगर आपकी चल रही होगी और आपकी ये सिचुएशन है और आपके बाय बर्थ भी इसी प्रकार का योग है तो इस समय विपरीत राजयोग का फल आपको गोचर में निश्चित तौर पर मिलने वाला है। आप इस समय प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, धन दौलत ले सकते हैं, शादी इस समय कर सकते हैं, संतान का सुख है, कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा समय है, आप गर्भ धारण कर सकते हैं, इस राजयोग का फल मिलेगा। अखिल राशि हमारे पास में मकर, मकर राशि में छठे का स्वामी छठे भाव में है, सूर्य के साथ बैठा है अष्ट में इसके साथ, षष्ठेश और अष्टमेश दोनों एक साथ छठे भाव में बैठे हुए केतु की दृष्टि में है, तो यहां पर विपरीत राजयोग बनेगा। बुद्धादित्य राजयोग तो बन ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम ये कहें कि 12 राशियों के लिए बुद्धादित्य राजयोग बन गया है तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेष राशि में, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और मकर राशि में ये विपरीत राजयोग बन रहा है, बुद्धादित्य राजयोग का काम नहीं है ये। बुद्धादित्य राजयोग तब बनता है जब बुध अच्छे स्थानों का स्वामी हो और सूर्य भी अच्छे स्थानों का स्वामी हो, अच्छे स्थानों पर वो बैठे हुए हैं या अच्छे स्थान पर नहीं भी बैठे हुए हैं तो भी उस राजयोग के फल आपको मिलेंगे। लेकिन यहां तो ये बुरे स्थानों के स्वामी होकर के पूरी जगह पर पाप प्रभाव में बैठ गए तो यहां पर एक शुभ फल नहीं मिल पा रहा। यह होता है बुद्धादित्य राजयोग का फल। 12 राशियों पर भिन्न भिन्न प्रकार के फल यहां पर आए वो मैंने आपको जानकारी दी। आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, प्रोडक्शन जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, पूजा पाठ के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब हमारे नए बैच शुरू होंगे क्लासेज के लिए, उनमें भी एडमिशन के लिए, ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको दिल्ली का पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59, फ़ोन नंबर 011-2563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-860090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।
दर्शकों,